हेलो एवरीवन, ट्वींस बेबी की जो डिलीवरी होती है वो सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा कठिन होती है, इसलिए ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए। पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित करते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके गर्भ में ऑलरेडी दो दो जिंदगियां पल रही हैं। आप जो भी भोजन करती हैं उसके द्वारा ही दोनों बच्चों में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। सिंगल प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है वो 39 वीक्स में होती है, लेकिन ट्वीन प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी है वो 37 वीक्स में हो जाती है। ट्वीन प्रेगनेंसी में किसी भी कारणवश अगर डिलीवरी टाइम से पहले होने की संभावना होती है तो ऐसे में डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला में स्टेरॉइड इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि बच्चों के फेफड़े डेवलप हो सके। और ऐसा डॉक्टर इसलिए करते हैं क्योंकि जो समय से पहले डिलीवरी होती है उनमें अक्सर बच्चों के फेफड़ों में इनमेच्योरिटी देखी गई है। ट्वीन प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम का भी काफी रिस्क रहता है, जिसकी वजह से प्रीक्लैम्प्सिया होने की काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में कुछ और भी बातें हैं जो कि गर्भ में ट्विंस बेबी होने पर एक माँ को जरूर फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि आपको लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है एंड इसके साथ ही आपको सारे जरूरी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। और साथ ही में आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और इसके अलावा अन्य जरूरी पोषक तत्वों को भी शामिल करना चाहिए। और ट्वीन प्रेगनेंसी होने पर महिलाओं में एनीमिया का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी डाइट में विटामिन्स के साथ अतिरिक्त मात्रा में आयरन को भी शामिल करना चाहिए। और साथ ही में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत होती है। कुछ ट्वीन प्रेगनेंसी में दूसरी या तीसरी तिमाही में डॉक्टर किसी भी कारणवश कभी कभी हार्ड बेड रेस्ट की भी सलाह देते हैं। ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपको ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी का सेवन जरूर करना है और आपको रात को सोने से पहले पानी पीना बंद कर देना है, जिससे कि आपको बार बार नींद में टॉयलेट ना जाना पड़े। आपको ट्वीन प्रेगनेंसी में वजन बढ़ाने की भी विशेष जरूरत होती है। प्रेगनेंसी से पहले एक स्वस्थ महिला को ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 18 से 25 किलो वजन बढ़ाने की जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको 600 ग्राम अतिरिक्त कैलोरी हर दिन लेनी पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।